कॉमेडियन सुगंधा मिश्रा और संकेत भोसले ने 26 अप्रैल को पंजाब के फगवाड़ा स्थित क्लब कबाना रिजॉर्ट में पारंपरिक अंदाज में शादी रचाई थी, मगर पारंपरिक ढंग से रचाई गई दोनों की यह शादी अब विवादों में आ गई है। अगर देखा जाए तो न्यूली मैरिड कपल के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। कई सालों तक एक दूसरे को डेस करने वाले सुगंधा और संकेत की शादी एक वीडियो हाल ही में काफ़ी वायरल हुआ था, जिसमें कोविड-19 नियमों के अनुसार तय की गई सीमा से अधिक लोगों इस शादी में शामिल दिखाई दे रहे हैं और शादी का यही वीडियो दोनों के लिए मुसीबत बन गया है। स्थानीय पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने के चलते आपदा प्रबंधन कानून और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले की जाँच की जा रही है। पुलिस ने न सिर्फ दुल्हन सुगंधा और दूल्हे संकेत के खिलाफ मामला दर्ज किया है, बल्कि जिस रिजॉर्ट में यह शादी हुई है उसके पूरे प्रबंधन और शादी में शरीक होने वाले तमाम लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी खबर नहीं आई है, लेकिन सुगंधा मिश्रा के मैनेजर ने कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन पर आरोप पर सफाई देते हुए कहा कि दुल्हन और दूल्हा की तरफ से 20-20 लोगों के शादी में शरीक होने की इजाज़त हमने स्थानीय पुलिस से ली थी और 40 लोग ही इस शादी में शरीक हुए थे और शादी में इस बात का पूरा ख्याल रखा गया था कि कोरोना के किसी भी नियम का उल्लंघन ना हो और शादी में सीमा से अधिक लोगों के शामिल होने की भी खबर गलत है। सुगंधा ने संकेत के साथ शादी से पहले दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि वह अपनी शादी बड़ी धूमधाम से करना चाहती है, मगर कोरोना के चलते हुए ऐसा नहीं कर पाएंगे और इस शादी में दोनों परिवार से जुड़े चुनिंदा वो करीबी लोग ही इसमें शरीक हो पाएंगे। दोस्तों, ऐसे ही और खबर के अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे हर कोई खबर सबसे पहले मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद। जय जवाहर, वंदे मातरम, धन्यवाद।